बूंदी में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जिला युवा महोत्सव कार्यक्रम में कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की। इस दौरान विधायक अशोक डोगरा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ने कहा कि युवा देश का भविष्य है। देश के नौजवान हमारे स्वर्णिम भारत के अध्याय हैं। इन नौजवानों के मन में देशभक्ति हो, राष्ट्रभक्ति हो, इनके हर कार्यक्रम के अंदर अपने कर्तव्य हो, और इसीलिए नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने जो 5 मंत्र देश को आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय दिए थे, उन 5ों के संकल्पों को लेकर हमारे नौजवान आगे बढ़ेंगे, नया विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। हमारी विरासत, हमारे ऐतिहासिक धरोहर, हमारे आज़ादी के आंदोलन करने वाले नेता, उन सबको याद करते हुए नए भारत के निर्माण में योगदान देंगे। आज के हमारे नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित अमृतकाल के पंच प्रण पर माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अवसर पर मैंने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया और मैंने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसी ही संस्थाएं हम जैसे बच्चों को, हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग को 2nd प्राइज मिला है और भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है युवाओं को आगे हर किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे ये जीत जानकर के बहुत अच्छा लगा है कि हमारी सरकार हमारे युवाओं के लिए इतना सोच रही है जिससे कि हमारे युवा आगे बढ़ सके, हर एक फील्ड में वो लोग आगे जा सके। ये कहना चाहूँगा कि सरकार द्वारा चलाया गया है बहुत अच्छा, ये युवाओं को जगाने के लिए बहुत अच्छा कदम है और इससे पूरे देश के युवा जागेंगे और अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य की ओर जागरूक होंगे। और मैं आयुष दत्त मेहता, बूंदी राजस्थान में रहता, सदा सत्य कहता, पवित्र नदियों की तरह बहता।